भारत में एक दिन में कोविड-19 के 43,965 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,88,10,845 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर अब 3,78,181 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण में 460 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,49,200 हो गई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,78,181 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.15% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 7,541 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.51% है।